अमदावाद खाते गुरुदेव श्री आशुतोष महाराजजी दिव्य मार्गदर्शन हेठ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 17 जानुआरी थी 23 जानुआरी दरमियान हीराधन सिटी सामेना मैदान में स्नेह प्लाजा पास आईओसी रोड न्यू चांदखेड़ा अमदावाद खाते भव्य श्री रामकथा आयोजन कर कथाना बीजा दिवसे कथाव्यास साध्वी श्रेया भारतीजीए रामचरित मानस महिमा विषे जणाव्यु हतुं। संत समाजे मधुर गायन अने वाद्यो साथे कथाने दिव्य भक्ति रसथी ओतप्रोत करी दीधा। कथानी रजूआत मधुर भजनो अने चोपाईओ साथे करवामां आवी हती। भगवानना दिव्य भजनो अने भक्ति संगीतनो भक्तोए खूब ज लाभ लीधो हतो अने भगवानना कीर्तनमां पण झूमी उठ्या हता। कार्यक्रममां विस्तारना महानुभावोए कथानो लाभ लीधो हतो। मुख्य अतिथि तरीके श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता, श्री जे के गुप्ताजी, श्री हितेन्द्रभाई पटेल, श्री सोमनाथ गुप्ता, श्री रणजीत कुमार झा, श्री अतुल मिश्रा जोड़ाया हता अने पूजा आरतीनो लाभ लीधो हतो। तेमणे संस्था द्वारा चलाववामां आवता विविध सामाजिक प्रोजेक्ट विशे जाण्युं अने तेनी प्रशंसा कराई। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिसके हेड एंड फाउंडर गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी हैं और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का जो ध्येय है विश्व में शांति और मानव में क्रांति जो कि ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है और संस्थान आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थान है। संस्थान की आध्यात्मिक जागृति के साथ साथ सामाजिक सुधार के लिए भी कार्यरत है। हम 9 सोशल प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं जिसमें से ये जो कथा रखी गई है आप जो ये भव्य कथा का आयोजन देख रहे हैं श्री राम कथा जो कि आज 17 जनवरी से 23 जनवरी 7 दिन का ये भव्य कार्यक्रम है और 16 जनवरी को इसी कथा स्थल से भव्य मंगल कलश यात्रा निकाली गई जिसमें लगभग 1100 बहनों ने अपने सर पर मंगल कलश धारण किया और नगर भ्रमण करते हुए वापस वो कथा स्थल पर पहुँचे जिससे लोगों के भीतर कार्यक्रम की जागृति और भगवान श्री राम के प्रति रुचि को देखने को मिला। ये जो संस्थान है आध्यात्मिक और सामाजिक प्रकल्पों पर कार्य करता है और इस समय में मैं आपको बताऊं इस दिसंबर माह के अंदर संस्थान के द्वारा ऐसी ही 20 भव्य कथाओं का आयोजन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा है जैसी भव्यता आप देख रहे हैं यहाँ पर इसी भव्यता से। और ये जो कथा है ये हमारा एक प्रकल्प है कामधेनु जो देसी गौ संरक्षण और संवर्धन को समर्पित है उस प्रकल्प को समर्पित है क्योंकि गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि अध्यात्म किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र पर कार्य नहीं करता है ना अध्यात्म समाज के देश के राष्ट्र के हर एक क्षेत्र पे हर एक वर्ग पर कार्य करता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं संस्थान के जो प्रकल्प है अंतर्दृष्टि जो नेत्रहीन और विकलांग लोगों के लिए चलाया जाता है। अंतरक्रांति जो बंदी सुधार कार्यक्रम है देश की लगभग कई जेलों में संस्थान कार्य कर रहा है। बोध एक प्रकल्प है नशा मुक्ति अभियान जो आज युवाओं के अंदर हम देख रहे हैं कि वो नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं उस नशे की गिरफ्त से उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए और भारतीय संस्कृति अध्यात्म हमारी जो आध्यात्मिक धुरी है उससे कैसे जोड़ा जाए ऐसे 9 प्रकल्प हैं। और ये जो कथा है इस कथा का प्रयोजन भी यही है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो मंच पर साधु समाज बैठे हैं जो साध्वी बहनें बैठी हैं सभी युवा हैं। आप यहाँ कार्यक्रम क्षेत्र में देख रहे होंगे कितने युवा जो कि सेवा कार्य में लगे हुए हैं निस्वार्थ भाव से है ना उनके अंदर जागृति कैसे आई उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। संस्थान संस्थापक और संचालक परम पूज्य परम वंदनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी है तेमना शिष्य स्वामी हृदयानंद। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने असीम अनुकंपा और प्रेरणा थी आपड़ा अमदावाद विस्तार में आ विशिष्ट विलक्षण और भव्य श्री रामकथा आयोजन करवामां आवेल छे। आ कथा विशिष्ट एटला माटे छे कारण के महापुरुषोए जे कथाओ रची एनी पाछळ घणा बधा रहस्यो हता एमाना थोड़ाक रहस्य ज्यारे आपणे जाणीशुं त्यारे ख्याल आवशे कि आ कथा शा माटे योजवामां आवी। प्रभुनी कथा मात्र कथा नथी इतिहासनुं पात्र नथी ए पात्रनी पाछळ छुपायेलुं रहस्य छे। आ कथा तो आपणे घणा
द्वारा सांभळीए छे, घणा कथा वाचको कथा करे छे, ए भगवानी लीलाओ तो कहे छे, पण एनी पाछळ जे रहस्य छुपायेलू छे ए जाणवानू छे।